हाई एवरी वन वेलकम टू टूडे वीडियो इन दिसक अबाउट इंटरहालोजन कंपाउंड तो इंटर हेलोजन कंपाउंड होते क्या है एज द नेम सजेस्ट की हैलोजन के बीच में रिएक्शन हुई है और उनसे जो कंपाउंड बना है उसे इंटरहाइलोजन कंपाउंड क्या है ओके कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलोजन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लोरिन ले लू और क्लोरिन ले लू इन वन एस टू वन रेशियो तो हमें मिलेगा सी एल एफ अगर एक्टेस में क्लोरिन लेता हूँ तो कुछ सी एल एफ थ्री टाइप मिल सकते हैं सिमिलरली मैं आयोडीन के साथ ही ऐसा कुछ करना चाहूँ तो मेरे को आई सी एल मिल सकता है अगर एक्सेस में क्लोरीन ले लूँ तो मेरे को आई सी एन थ्री मिल सकता है ऑल्सो तो अगर मैं ब्रोमीन के साथ कुछ ऐसा करना चाहूं, ब्रोमीन और क्लोरीन लिया है तो हमें बी आर एफ थ्री मिल सकता है ज्यादा ही एक्सेस में ले लिया तो बी आर एफ फाइव भी मिल सकता है तो यहां पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड तो मैं अगर कुछ एग्जाम्पल दूं आपको कंपाउंड्स कंपाउंड तो जैसे ये सीएलएफ सी एल एफ थ्री जो भी अभी लिखा बी आर एफ फाइव आई एफ सेवन तो आपको मेजरली चार अलग अलग टाइप के इंटरहेलोजन कंपाउंड मिलेंगे पहली जो कैटेगरी हो गई वो हो गई एक् एक्स डैश एक दूसरी कैटेगरी हो गई एक्स एच एक्स डैश थ्री एक्स डैश फाइव एक्स एच तो ये चार डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज आपको मिल सकती और आप इन सब में देख रहे हैं अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं तो फिर पहले आउट ऑफ क्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आप ये देख रहे हैं कि जो एक्स वाले कंपाउंड है ये क्या होते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है साइज की बात कर लें तो जैसे अगर आई एफ सेवन है आयोडीन को क्या करना है अगर आयोडीन ऐसा है तो उसको सात क्लोरीन को एकोमोडेट करना है तो आयोडीन की साइज क्या है बड़ी है तो एक्स की साइज क्या होती है बड़ी होती है एक्स डैश की जो साइज है वो छोटी इन जनरल इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड हम लोगों को इस फॉर्म के मिलते हैं ये चार डिफरेंट टाइप्स तो सबसे पहले इनके शेप हाइब्रिडाइजेशन इन सब की बात कर लेते हैं तो लेट मी टेक अ वेरी बेसिक एग्जांपल सी तो अगर सी एल एफ है तो आपको पता है कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है तीन तीन लोन पर दोनों के तो लुक्स लाइक लीनियर स्पीश यहीं पर अगर मैं सी एल एफ थ्री की बात कर लू तो मेरे को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ये होगा ट्वेंटी एट जो एट से डिवाइड हो रहा है उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ट्वेंटी लोन पेयर है टोटल so पे पे हमारे पास फाइव हो गया मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री डी आई होप आप सब लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता होगा तो PLF3 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d अगर शेप की बात करें तो ज्योमेट्री जो है वो तो ट्राइगनल बाय पिरामिडल है और ट्राइगनल बाय पिरामिडल में हम लोग का सेंट्रल एटम क्लोरीन है लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे जाता है तो यहाँ गया लोन पेयर और एक्शियल पोजीशन पे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ये स्ट्रक्चर हो गया इस तो किसकी तरह लग रहा है लुक्स लाइक अ टी शेप है ना अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको टी दिखेगा पर एक्चुअली होता क्या है ये ये exactly टी नहीं होता ये जो लोन है इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये बनता है पेंट टी शेप इसका जो स्ट्रक्चर बोलते हैं शेप बोलते हैं बेंट टी शेट तो हमने इन जनरल बात कर ली अगर एक डैश की बात करें तो देआर जनरल इन इंजीनियर एक डैश थ्री की बात करें तो दे नेक्स्ट बात कर लेते हैं बी आर एफ टाइप मॉलिक्यूल की तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन प्लस सेवन इंटू फाइव टोटल फोर्टी टू फोर्टी टू को डिवाइड कर दिया फाइव और वन तो, तो टोटल फाइव बॉन्ड बेस्ट एंड वन लोन टोटल सिक्स हो गया नंबर सिक्स से मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री डी टू ये होता हो है स्क्वायर बाय तो ब्रोमीन बनाया इधर ये ऐसा कुछ होगा क्योंकि पांच फ्लोरिन लगाने हैं पांच फ्लोरिन लगा देते हैं एक बच गया लोन तो उसको यहां लगा दिस इज पिरामिड ये रहा अपना स्क्वायर और नीचे की तरफ एक पिरामिड बन गया तो स्क्वायर पिरामिड तो कोई भी एक डैश पाइप टाइप का स्पीशीज होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 थ्री डी टू एंड शेप वुड बी स्क्वायर पिरामिड नेक्स्ट बात कर लेते हैं आई एफ सेवन आई एफ सेवन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले तो इट कम्स आउट एज फिफ्टी सिक्स एट्स डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे आता है यहाँ पे सेवन बॉन्ड पेयर्स सेवन बॉन्ड पेयर्स मतलब आयोडीन प्लेन में पांच क्लोरीन को केटर कर रहा है विच मेक्स इट अ पेंटागन यहां पे ये यह रहा एक पेंटागन और ऊपर और नीचे एक क्लोरिन तो दिस इज पेंटागनल बायोपुर तो कोई भी एक डैश सेवन टाइप का स्पीशीज होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एस सी थ्री डी थ्री और स्टेप होगा पेंटागनल बायोप्य तो कितने टाइप के इंटरहाइड्रोजन स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकते हैं थोड़ा सोच लेते तो अगर आयोडीन की बात करो आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है आयोडीन आई भी बना सकता है आई थ्री भी बना सकता है आई एफ फाइव भी बना सकता है आई एफ सेवन भी बना सकता है क्योंकि क्लोरीन भी छोटा है तो सात क्लोरीन बने सकते हैं ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन भी एक क्लोरीन बना सकता है बी बना सकता है बी बना सकता है क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन भी सेम काम कर सकता बन नहीं सकता इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्रोमीन की साइज इतनी बड़ी नहीं है कि वो साथ क्लोरीन को गेटर कर ले और अगर ब्रोमीन नहीं कर पाएगा तो क्लोरीन की तो बस की नहीं तो हमारे पास दस डिफरेंट टाइप के इंटरहाइड्रोजन स्पीशीज तो ये हो ये फ्लोरीन के साथ है ना जिसमें एक्सडे क्लोरिन था अगर एक्सडैश क्लोरिन तो, आयोडीन तो ICL बना सकता है और आई थ्री बना सकता है। नहीं बनता, एल सेवन नहीं बनता और बी आर बनता है तो ये तीन डिफरेंट टाइप के इंटरहेलोजन स्पीशीज ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमीन से तो बड़ा सिर्फ एक ही है आई आई बी आर तो टोटल हम लोगों को फोर्टीन डिफरेंट टाइप्स के इंटरहेलोजन स्पीशीज मिलते हैं आइए देख लेते हैं इनको तो ये जो टेबल है ये मैंने एनसीआरटी से ही उठाई यू कैन सी यहाँ पर टोटल फोर्टीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन स्पीशीज हैं सबका स्ट्रक्चर हमने देख रखा है शेप दे रख, देख रखा है है ना बेंटी शेप देन स्पेयर पिरामिडल एंड देन पेंटागनल बाइक अगर आप कलर ऑब्जर्व करना चाहें तो ये देखिए यहां पर जो शुरुआत में कलर है थोड़े डार्क कलर्स होते हैं और नीचे जाते जाते वो लाइट होने लगते हैं और थोड़े देर के बाद तो कलर लेस ही होगा राइट right? अगर मैं आई ती एल थ्री की बात करूं तो आई टी एल थ्री बेसिकली एक्सिस्ट एबल डायमर आई टू सीन सॉलिड स्टेट ये टेबल में भी लिखा गया है देखिए आईसीएल थ्री ब्रिज डायमर इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है आईसीएल थ्री ऐसा होता दूसरा आईसीएल थ्री ऐसा होता अब वो क्या रहा है ये क्लोरीन अपना लोन पे इस तरीके से डोनेट दिस so अब ऐसा भी देखा गया है कि ये जो आई टू सी एल सिक्स है या आयनाइजेशन के बाद आईसीएल टू प्लस आईसीएल फोर माइनस और ऐसा ये नहीं ऐसा काफी इंटर एडोजन कंपाउंड करते हैं वो सेल्फ आयनाइज हो जाते फॉर एग्जाम्पल बी आर एफ थ्री की बात करें तो वो भी सेल्फ आयनाइज हो का मतलब है कि बी आर एफ थ्री बी आर एफ टू प्लस और बी आर एफ फोर माइनस में टूट जाता इसलिए ऐसा देखा गया है कि इनको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता दे आर नॉन क्यों क्योंकि सॉल्वेंट जैसे कि पानी का यूज क्या होता है कि हम लोग उसमें एक सॉल्ट डायरे वो आयंस में टूट जाए ना तो सिमिलरली ये भी ऐसा काम करते नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर आईसीएल है और आई आई एवाइडू तो दोनों में से मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा रिएक्टिव तो बात ऐसी है कि आयोडीन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो ड्यू टू तो दिस पोलराइजेशन इसके रिएक्शन करने के चल चलते इसकी रिएक्टिविटी जनरली ज्यादा तो हमने से क्या जाना कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं उनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल हेलोजन कंपाउंड से ज्यादा होती नॉर्मल हेलोजन कंपाउंड क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आप ऑगेजर क्लोरीन छोड़ दिया तो बात यह है कि फ्लोरिन की रिएक्टिविटी उससे भी ज्यादा होती है फ्लोरिन की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है कि की अगर बात करें, तो फ्लोरिन की साइज इतनी छोटी और तीन तीन लोन पेयर लेके बैठा है बाजू वाला भी तीन तीन लोन पेयर लेके बैठा है तो ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे से दूर जाना है ना अगर इन लोग को दूर जाना है तो ये अनस्टेबल है कोई भी चीज अनस्टेबल होती तो रिएक्टिव राइट तो क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फिर इंटरहेलोजन कंपाउंड एंड देन हेलोजन बाकी अगर हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात कर ले तो दे एक्ट एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब है जैसे सपोज करिए मैंने ले लिया यूरेनियम उसके साथ मैंने ले लिया दी एलेप्ट तो वो यूरानियम को क्या कर देगा क्लोरिनेट कर देगा यूएफ सिक्स बना देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा सीएल इंटरहेलोजेंट कंपाउंड आर ऑल्सो यूज क्लोरीनेटिंग एज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोल ऑफ तो इंटरहेलोजेंट कंपाउंड तो सबसे छोटे इंटरहन कंपाउंड को लेते हैं अगर आप सी एल एफ की रिएक्शन पानी से कराएं करोरिन पर क्या चार्ज है माइनस वन क्लोरिन पर क्या चार्ज है प्लस वन वाटर में क्या है एच प्लस था और ओ एच माइनस था तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा एच एफ मिल जाएगा और साथ में एच ओ सी एल मिल जाएगा एच ओ सी एल का नाम क्या होता है पाइपोक्लोरस पढ़ रखा है हमने सीरीज़ में। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई हमको कि जो रिएक्टेंट में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्रोडक्ट में भी स्टेट हो। बेसिकली हमको एक ऐसा ऑक्सी एसिड बनाना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है एस डायडोक्रिया तो नेक्स्ट ले, ले लेते हैं PMF3। पानी में डालेंगे सी so, एल पे प्लस थी और एच पे माइनस है so, वापस तो वापस पे एच एच तो बनेगा ही साथ में क्या बनेगा एच सी एल ओ थ्री विच इज क्लोरस क्या मैंने सही बनाया है नहीं ऑप्शी प्लस थ्री चाहिए थी क्या यहाँ पे प्लस थ्री है नहीं प्लस फाइव तो मुझे क्या बनाना चाहिए यहाँ पे एच सी एल ओ टू बनाना चाहिए This is contest, नेक्स्ट अगर मैं बी आर एफ पाइप की बात कर लूं तो बी आर एफ की रिएक्शन जब करेंगे पानी के साथ तो अगेन इसमें एफ माइनस है जो कि क्या बनाएगा एच एफ और ब्रोमिन के साथ बन जाएगा एच बी आर ओ थ्री विच इज कॉल्ड एज ब्रोमिक एसिड एंड फाइनली इन आई टॉक अबाउट आई एफ सेवन तो हाइड्रोल स्पे एच एक्स मिलेगा और एच आईओ फोर मिलेगा विद पर आयोडिक तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिमेनिंग द सेम इन द रिएक्टेंट एज वेल एज द प्रोडक्ट तो आपने ये देखा कि अगर हमारे पास एक डैश एन है एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अभी अभी हमने देखा वन थ्री फाइव सेवन तो एक जो है वो तो ऑक्सी एसिड बना रहा है अपना एक डैश जो है वो अपना एच एक्स डैश टाइप बना तो तो आपको पता है एच एक्स ओ एच एक्स ओ टू एच एक्स ओ थ्री एच एक्स ओ फोर टाइप के हो अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन बिल ओके तो आज हमने पूरी बात करी इंटर हेलोजन कंपाउंड की और उनकी हाइड्रोलिस काफी सिंपल होती है और उससे काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते ओके सो विथ दिस कम टू द एंड ऑफ दिस स्वीट